फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा समय लेने के बजाय आज मैं आपके सामने लाई हूं लौकी के कोफ्ते। तो दोस्तों, लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने एक लौकी को कद्दूकस कर लिए हैं, इसको घिस लिए हैं, जिसमें मैं डालूँगी एक कटोरी बेसन, इसमें मैं डालूंगी आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एंड आधा चम्मच नमक, चम्मच हल्दी पाउडर, चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला, फिर आधा चम्मच एक गरम मसाला, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको मैं मिक्स कर ली हूँ इसको। मैंने पहले से कढ़ाई रख दी है, जिसमें ऑयल डाल के मस्टर्ड ऑयल इसको मैं डाल दी हूँ। अभी देखिए, मेरा गरम हो चुका है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। मैं जैसे आप पकौड़ी बनाते हैं ना, वैसे ही मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, मेरा फ्राई हो चुका है ये पकौड़े। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। आप इसे ज़रूर आप टेस्ट एक बार यूज करिएगा। इस रेसिपी को बहुत ही टेस्टी बनेगी खाने में, यकीन मानिए। फिर से मैं इसको फिर से और बचे हुए पकौड़े फ्राई कर लूँगी इसके। इसको मैं धीरे धीरे इसको सब पलट लूँगी। जैसे आप पकौड़े बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से आप इसको बना लीजिए। ये देखिए, मेरे सारे पकौड़े बन के तैयार हैं। इसको भी मैं निकाल लूँगी। ऐसे ही अपने सारे पकौड़े आप निकाल लीजिए। अब इसमें दोस्तों, जो हमारा तेल बचा हुआ है, उसमें मैं डालूँगी जीरा एक चम्मच, फिर मैं उसमें डालूँगी लहसुन और मिर्चा का पेस्ट में बना के पहले से ही रख ली थी, इसको मैं डालूँगी। इसमें मैंने तीन बड़े साइज के प्याज हैं, तो मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिए थे, उसको फ्राई कर लेंगे।
इन सब चीज़ों को अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए हमारा प्याज लहसुन मिर्चा का पेस्ट जो है पक के तैयार हो गया है। देखिए थोड़ा सा तेल भी छोड़ रहा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले। एक चम्मच मैं लूँगी सब्ज़ी मसाले, कोई भी आप सब्ज़ी मसाले ऐड कर सकते हैं इसमें। एक चम्मच मैं लूँगी हल्दी पाउडर। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दूँगी। फ्लेम को मीडियम में कर दूँगी। फ्रेंड्स उसको बनाने के लिए आप एक बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप लौकी को कद्दूकस करेंगे उसका घिसेंगे तो उसका जो है पानी अच्छे से निचोड़ दीजिएगा, ताकि जब उसमें आप बेसन या मसाले सब मिलाएंगे तो उसमें पानी ना रह पाए रह जाए। अगर पानी रह जाएगा तो फिर आपकी पकौड़ी सही नहीं बन पाएगी। उसका बनाने से पहले उसका सारा पानी निचोड़ लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। अभी मैं मसाले पका रही हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूला करें, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे हमारा प्रोत्साहन थोड़ा सा और बढ़ेगा। आप लोगों के साथ के लिए आवश्यकता है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर ली हूँ, जो कि मैं इसको पका ली हूँ। सभी को पसंद आएंगी दोस्तों, ये सब्ज़ी बहुत ही ईजी है, आप इसको ज़रूर बनाएं। तीन टमाटर इसको मैं पीस ली थी ग्राइंडर में, ग्राइंड कर ली थी, जो कि मैं इसमें ऐड कर ली हूँ। इसको भी मैं अच्छे से पका लूँगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी किसी प्लेट से। सो देख रहे हैं जैसा कि मेरा टमाटर और मसाले सब पक के तैयार हो चुके हैं। इसमें देख रहे होंगे आप तेल ऊपर से छोड़ रहा है धीरे धीरे, देख ही सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमारा टमाटर भी पक चुका है, अब इसको और पकाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए। आप इसका लिक्विड जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं, कम ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। अभी मेरा थोड़ा सा ही गाढ़ा है, पकौड़ी पड़ने पे और भी गाढ़े हो जाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूँगी। इसमें जब पकौड़ियाँ पड़ती हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना कम ज़्यादा आप चाहें। मैं पकौड़ी में भी पहले भी डाल चुकी थी, इसलिए मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ नमक। अब इसको उबलने के लिए मैं 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही बंद करके रख दूँगी। तो लगभग हमारा 5 मिनट हो चुका है, अब चलिए देखते हैं। वाओ देखिए पक गया है एकदम, इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब इसमें मैं जो पकौड़ी बनाई थी अब मैं उसको ऐड करूंगी। वाओ सुपर, देखिए कितने अच्छे इसके कलर आ रहे हैं, कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अब इसको हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे ढक के। चलिए तो अब देखते हैं, 2 मिनट लगभग हो चुके हैं, इसका क्या कंडीशन लग रहा है, पक गया है अच्छे से कि नहीं।
पक चुका है अभी। वाव सुपर, हमारा लौकी कोफ्ता बनके तैयार है। आप इसको जब सर्व करें तो ऊपर से थोड़े से दही और हरे धनिए डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी ये खाने में लगेगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।